नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत कहाँ और कैसी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सरजिस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त मजमा था। मैंने इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसे पुश चक्कर लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मंशा समझ गए और अपनी पुश्त मुबारक से चादर उतार दी। मैंने मोहर नबूवत की जगह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मुट्ठी के हम शक्ल देखा, जिसके चारों तरफ तिल थे जो गोया मसों के बराबर मालूम होते थे। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और मैंने अर्ज किया, अल्लाह जल्ला शानहू आपकी मगफरत फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी भी मगफरत फरमाए। लोगों ने कहा, तेरे लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शिश की दुआ की। इन्होंने कहा, हाँ तुम्हारे लिए भी। फिर ये आयत तिलावत की, वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिल्मुमिनीना वल्मुमिनात। ए नबी, तू अपने और ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों के गुनाहों की बख्शिश तलब कर।